और अगर इनके पास स्पोर्ट्स कार वगैरह भी होती है, जिस तरह ये गाड़ी है, आगे से हल्की सी क्रैश होकर बैठे और इसको करते हैं स्टार्ट इंजन। वाओ, चेक करो जरा साउंड चेक कर रहे हो। आओ और भाई गाड़ी आप लोग भी लेके जा सकते हो। और अगर ये गाड़ी सेल हो गई है तो ये देखो आ रही आगे। इवन कि ये एक्सीडेंट है लेकिन ये देखो ना बिल्कुल सही है, ड्राइवेबल है, वो एकदम न्यू आ गई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यार मैं अभी एक कार ऑक्शन में आया हूँ, क्रैश कार की ऑक्शन है, मरहबा कार ऑक्शन। भाई इसकी मैं डिटेल देता हूँ, काफ़ी मज़े का सीन है। इनकी एक तो ऑफर लग रही है संडे को, जिसमें ग्रीन लाइट में कार सेल हो रही है। मिनिमम बिट जितने भी आप लोग दे देंगे उतने में अप्रूवल की जरूरत नहीं होगी, गाड़ियाँ मिल जाएंगी। तो कुछ गाड़ियाँ दिखा दूँ, आज परचेज करने की कोशिश करेंगे, बाकी आपको पूरी डिटेल देता हूँ। खैर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इनको परचेज कैसे करना है, रिपेयर करके रिबिल्ड करके आप लोग प्रॉफिट कमा सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, अपने यूज़ में रख सकते हो। अमेरिकन इंपोर्टेड कार्स होती हैं, तो स्टार्ट करते हैं गाड़ियाँ, मैं दिखाना स्टार्ट करता हूँ और बड़ा मज़ा आएगा यार आज। और हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यार यहाँ पे बहुत बड़ी सारी ऑप्शन है, जिस तरह कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी हैं, बाहर भी कार्स हैं, और 250 कार्स जो है ना वो संडे को जो है ना सेल होंगी यहाँ पे। खैर यार सबसे पहले मैंने ये पेपर ले लिया, लिस्ट मिलती है यहाँ पे जो जो कार्स हैं, जो जो इसके मॉडल्स हैं आगे लिखे हुए हैं, स्टार्टिंग बिल लिखी हुई है, तो ईजी हो जाएगा। आप लोग जाओ गाड़ियों की इंस्पेक्शन करो, कितना इस पर क्रैश है क्या है, तो आप लोग वहाँ पर राइट डाउन कर लो। उसके बाद वहाँ पर ऑक्शन होगी, वो मैं आपको दिखाऊंगा बाद में, अभी थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाली है। खैर ये है मर्सिडीज़, आगे से इसकी जो है ना लुक्स वगैरह आप लोग देखो, काफ़ी नीट एंड क्लीन गाड़ी है। इसका मुझे वैसे फ्रंट से या साइड से डैमेज तो नज़र नहीं आ रहा, तो देखते हैं इसका भी क्या सीन है। स्टार्टिंग बिड इसकी जीरो है, फ्री गाड़ी मिल रही है भाई। अच्छा संडे को जो है ना जो यहाँ पे ऑक्शन होने वाली है, तो जीरो से अगर किसी ने 10,000 की भी बिड दी ना, तो ग्रीन लाइट में ये गाड़ी सेल होगी। ये लोग उसका वेट नहीं करेंगे अप्रूवल का कि हाँ यार गाड़ी कम बिड हुई है क्या है। तो खैर इंटीरियर देख लो इसका, काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन सा इंटीरियर है, काफ़ी ज़्यादा प्यारी गाड़ी है भाई। इसके मैं आपको बैग से दिखाता हूँ, इनके अब किसी ने खुद अपने लिए परचेज़ करनी है तो यार डायरेक्टली आकर यहाँ से परचेज़ करो, क्योंकि अमेरिकन कार्स जो मार्केट में मिलते हैं वो लोग भी ऑलमोस्ट यहीं से खरीदते हैं या अमेरिका से इंपोर्ट करते हैं। देखो S560 है यार, काफ़ी मज़े की। ओह हो यार ये तो डैमेज है ही नहीं, बहुत नेक्स्ट लेवल गाड़ी है यार, यार ये परचेज़ कर सकते हो आप लोग। आगे चलते हैं जाके और देखते हैं। यार देखो छोटी कार्स भी यहाँ पे मिलती हैं, ये देखो ये वाली छोटी कार है, वहाँ पे मित्सुबिशी है, करोला है, हर टाइप की गाड़ी यहाँ से मिलती है। तो इसको देख लेते हैं, ये गाड़ी भाई सामने से डैमेज है, इसकी लाइट जो है वो टूटी हुई है, बम्पर डलने वाला, तो ये चीज़ें आप लोगों ने देख लेनी है। इसका कितना एस्टीमेट है उस हिसाब से आप लोग बिड इसकी दे सकते हो। 10% डिस्काउंट ऑन स्टार्टिंग बिड, 5,000 दिरहम की इसकी स्टार्टिंग बिड है, ऊपर से 10% डिस्काउंट भी मिलेगा उसके ऊपर। तो ये देखो इसका इंटीरियर, यहाँ से एयरबैग वगैरह पॉप नहीं है, तो आप लोग जो है ना ये गाड़ियाँ परचेज़ करो, इनको खुद ड्राइव करो, सेल करो, कुछ भी कर सकते हो भाई। इंडस्ट्रियल एरिया नंबर 2 में मरहबा कार ऑक्शन है, ये क्रैश कार की ऑक्शन है, बहुत नेक्स्ट लेवल ऑक्शन है भाई। आप लोग रात को भी आओगे ना तो यहाँ पे ऊपर लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं, तो अच्छे से इंस्पेक्शन कर सकते हो गाड़ियों की, उसकी टेंशन नहीं है। आप लोग लेट आओ या जल्दी आओ, लेकिन जो है ना 5 बजे के करीब यहाँ पे ऑक्शन स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पे होने वाली है स्टार्ट ऑक्शन, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे ऑक्शन हो रही है, और अगर मैं कोई गाड़ी परचेज करता हूँ और तरीका भी बता दूँगा, अगर आप लोग कोई परचेज करते हो तो कैसे परचेज कर सकते हो, डाउन पेमेंट कितनी है और क्या सीन है। तो ये सामने से जो है ना ये देखो ये छोटी वाली गाड़ी क्रैश है, मित्सुबिशी, ठीक है, ये भी इसकी स्टार्टिंग बिड है 3,000 दिरहम ओनली, ठीक है, 5% इस पर वैट है, मीन्स कि जब आप गाड़ी परचेज कर लगे ऊपर 5% लोगों को टैक्स देना होता है, क्योंकि गाड़ियाँ इंपोर्ट हुई होती हैं तो इसका टैक्स पे नहीं होता, जब जितने में सेल होगी तो उसका टैक्स सिर्फ और सिर्फ 5% लोगों ने पे कर देना, और ऑन द स्पॉट आप लोगों को पेपर मिल जाएंगे इनके, वेट करने की जरूरत नहीं है। सबसे मज़े वाली ये बात है, मतलब आज गाड़ी लिए आज उसको रजिस्टर कर सकते हो अपने नाम पर। अच्छा यार जिस तरह ये मर्सिडीज़ है ना, इसके साइड से क्रैश है, तो आप लोग सिर्फ इसका साइड फेंडर डलने वाला है, डोर डलने वाला है, तो ये आप लोग दो चीज़ें चेंज करो, और पिछले दरवाजे पर थोड़ा सा काम है वो करो। इंजन वगैरह इसका बिल्कुल ठीक है, चेसिस वगैरह में मुझे इसका कोई डैमेज नज़र नहीं आ रहा। चेसिस की सबसे बड़ी बात ये है कि इनके ऊपर इंस्पेक्शन जो है ना अक्सर गाड़ियों पर लगी होती है, जिस तरह ये देखो इंस्पेक्ट हुई हुई है, यानी कि ये गाड़ी जो है यहाँ पर रजिस्टर हो सकती है, इसका चेसिस बिल्कुल ओके, ऑलरेडी रिपोर्ट उसके ऊपर लगी हुई है। स्टार्टिंग भी 20,000 है, प्लस उस पर 5% का डिस्काउंट है, तो इस तरह आप लोग आगे गाड़ियाँ वगैरह ले सकते हो। मैं भी देख रहा हूँ जल्दी जल्दी से कौन सी गाड़ियाँ लेनी है, क्योंकि ऑक्शन स्टार्ट होने वाली है। एक्चुअली इनका सीन ही होता है कि हम लोगों को 20% डाउन पेमेंट देनी होती है, यानी कि अभी लाइव बिड होगी ना, यहाँ पे एडवांस हम लोगों ने अभी कोई नहीं देना, अभी लाइव बिड होगी उसमें हम बिड देंगे अपनी, यानी कि एक गाड़ी है समझो ये 15,000 से स्टार्ट हो रही है, हमने 20,000 इसकी बिड दी, हमारे नाम पर बिड हो गई, तो हमें ऑन द स्पॉट 20% डाउन पेमेंट देना है। उसके बाद 7 दिन का टाइम होता है, जिसके अंदर आप लोगों ने टोटल पेमेंट करके गाड़ियाँ उठानी होती हैं, यानी कि 7 दिन का टाइम है, उसमें आप पैसे अरेंज करके गाड़ियाँ उठाओ, और उसके बाद अगर आपके पास कैश है ना फ़ौरन देके गाड़ी फ़ौरन अभी उठा कर लेके जा सकते हो, और इनका पेपर ऑलरेडी जो है ना रेडी होते हैं, उनकी वेट करने की जरूरत नहीं होती। तो इसमें और देखते हैं कौन कौन, अच्छा रेंज रोवर भी खड़ी हुई है, और भी हर टाइप की गाड़ियाँ, मैं आपको एक दूसरा कार दिखा दूँ। ये देखो इवन के ये निसान जो है ना टीडा, ये भी यहाँ पे मिलती है, मीन्स के यार आप लोगों को स्पोर्ट्स कार मिलेंगी, लग्जरी कार्स मिलेंगी, मर्सिडीज़ मिलेंगी, होंडा मिलेगी, हर टाइप की गाड़ियाँ आपको मिलेंगी, और बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ आज 150 कार्स आ रही हैं,
संडे को 250 कार्स आ रही हैं, इससे मतलब कार्स वगैरह इतनी आती रहती हैं। ये देखो ये रेंज रोवर है, देखो फ्रंट से काफ़ी ज़्यादा डैमेज है, इसके फेंडर डलने वाले हैं, इसकी लाइट्स वगैरह एक्स वाई जी जो कुछ चीज़ें हैं ये आप लोगों ने देख के उस हिसाब से इसकी बिट करनी है। और इसके स्टार्टिंग बिट है 0 दिरहम, तो 0 दिरहम से भैया गाड़ी स्टार्ट हो रही है। और ये है इसकी बैक साइड, बैक साइड से यार बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है, आप लोग ज़रा देखो यार ये गाड़ी जो है ना बहुत नेक्स्ट लेवल लगती है, इसकी रोड प्रेजेंस बहुत मज़े की है। अगर कोई गाड़ी अपने यूज़ में रखे ना ये तो काफ़ी मज़े की हो सकती है। मेरी देखो डॉज खड़ी हुई है यार, हम लोगों को ना एक दो गाड़ियाँ उठानी है, मैं आपको बताता हूँ। इनमें से एक ये डॉज उठानी है, ये मेरे दोस्त को चाहिए, और एक सियाना उठानी है, लेकिन ये शायद पुराना मॉडल है, थोड़ा ऊपर का मॉडल चाहिए होगा तो वो मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे अगर कोई खड़ी हुई है बल्कि हर टाइप की गाड़ी है। देखो यहाँ पे लेक्सस है, हुंडई है, स्पोर्ट्स है, स्पोर्टेज हो गई, मर्सिडीज़, BMW, कॉरवेट, हर टाइप की कार यहाँ पे आज की मिल रही है। संडे को और भी ज़्यादा होनी है। ये जीप हो गई, ये देखो ये सियाना खड़ी हुई है। हाँ काफ़ी मज़े की है यार, इस पर आज इस पर भी बिड करनी है भाई, इस पर भी बिड करके ही रहनी है। ये चेक करो 15,000 इसकी स्टार्टिंग बिड है, 2015 मॉडल टोयोटा सियाना, 15,000 दिरहम इसकी स्टार्टिंग बिड है, और ये 15 नंबर पे है। तो इसके ऊपर जो है ना बिड करना बनता है भाई, क्योंकि इसका डैमेज जो है ना यहाँ से मुझे इतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है। ये साइड भी क्लियर है, ये साइड भी क्लियर है इसकी, और यार मिनिमम डैमेज है इसके ऊपर तो बिड जा रही है भाई आज, इसके ऊपर बिट किसी भी सूरत हाल में जा रही है। ये है इसका कुछ इंटीरियर भी काफ़ी मज़े का है। इस पर कर सकते हैं बिट भाई, हुंडई एलेंट्रा ये भी अच्छी है यार, देखते हैं इसका। ये है 83 नंबर, तो यहाँ पे पेपर मैंने लिया हुआ है, 83 नंबर पे देख लेते हैं। 2011 मॉडल हुंडई एलेंट्रा, 5,000 दिरहम से इसकी स्टार्टिंग बिट है भाई, नॉट अ बैड डील ब्रो। इसको मुझे देखने जा रहा फ्रंट से क्या सीन है, फ्रंट से अगर मैं देखूँ इसको यार सही है, सिर्फ बम्पर डलने वाला है, लाइट वाइट इसकी थोड़ी सी क्लीन होंगी। ओए होए होए यार गाड़ियों तो काफ़ी मौके की मिल रही हैं, 5,000 दिरहम स्टार्टिंग विद प्लस डिस्काउंट भी है 5%। लेट मी सी काफ़ी मज़े की गाड़ी है यार, मज़े की कार है यार। इस तरह ना बहुत सारी कार्स हैं यहाँ पे, तो मैं देखता हूँ इनमें से कौन कौन सी कार्स हैं मेरे मतलब की, मैं उनको मार्क कर लेता हूँ, और उसके बाद जो ना इंशाल्लाह इन पे बिट करते हैं। कल एक गाड़ी यहाँ से उठाई है, कल एक गाड़ी वो मैं आपको दिखाऊंगा, वो पीछे से उसकी सिर्फ लाइट और पंप वगैरह नहीं थी, यहाँ पे डिटेल्स भी आपको दे रहा हूँ, तो वो गाड़ी ऑलमोस्ट रिपेयर्ड है, वो भी आपको दिखाऊंगा। मर्सिडीज़ यहाँ से उठाई थी, वो जो है ना बहुत नेक्स्ट लेवल रिपेयर की है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो खैर हाँ ज़रा मैं आपको और इंस्पेक्शन कर लूँ थोड़ी सी कार सी कौन कौन सी। यार एक चीज़ और है कि यहाँ से कार परचेज़ करना ना बहुत ज़्यादा ईजी है, अगर आप लोगों को लगता है कि मतलब पता नहीं क्या है ऐसे लोग कुछ होगा, तो जब इस फील्ड के अंदर आप लोग ऐसा आते हो ना, हम लोगों को पता चलता है यहाँ से गाड़ियाँ उठाना बहुत ज़्यादा ईजी है। मतलब आप आए हो, आप लोगों ने इंस्पेक्शन किया है, बिट दी है, गाड़ी परचेज़ की है, उसके बाद रिपेयर करके उसको रीसेल किया है या अपने यूज़ में रखा है, वो एक डिफरेंट चीज़ है। तो मतलब यहाँ से उठाना ईजी है। कुछ ऑप्शन ऐसी भी होती हैं जहाँ पे पेपर वर्क में टाइम लगता है और कुछ मतलब टाइम लगता है, तो वो चीज़ें यहाँ पर नहीं है, टाइम नहीं लगता, यहाँ पर मिल जाती हैं फ़ौरन। ये एक मुझे अच्छी चीज़ लगी, तो वो मैं इसमें ऐड ऑन कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को बताऊँ कि आपने आज, क्योंकि हमने जो कल गाड़ी उठाई थी ना यहाँ से, तो उसको हमने फ़ौरन ही ले लिया था, यानी कि गाड़ी की बिट दी है और उसके फुल पेमेंट की और गाड़ी उठा कर ले गए हैं, और वो रिपेयर भी हो गई है, यानी कि आज लिटरली कल नहीं परसों हुई थी वो ऑक्शन, और आज जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है। मैं आपको दिखाता हूँ बल्कि कि उस गाड़ी का क्या। और तो यहाँ पे देखो ये और मर्सिडीज़ वगैरह भी खड़ी हुई हैं, और वहाँ पे ऑक्शन भी स्टार्ट हो गई है, चलते हैं चल के बैठते हैं, बिट शीट करते हैं। अच्छा ये देखो चल रही हैं सारी कार्स, चला के यहाँ पे लेके आएंगे, और इनकी जो है ना चेसिस वगैरह की गारंटी होती है, हाँ यार पास वगैरह हो जाएगी। तो ये हुंडई आगे से लगी हुई है, तो यहाँ पे बैठे हैं लोग बिट वगैरह दे रहे हैं, तो चलते हैं हम भी बैठते हैं उनमें। बल्कि मैं ना आपको बाहर से दिखाता हूँ, स्पोर्ट्स कार एक दो खड़ी हुई हैं, तो वो देखते हैं क्या सीन है उसका। और अगर इनके पास स्पोर्ट्स कार वगैरह भी होती है, जिस तरह ये गाड़ी है आगे से हल्की सी क्रैश हो गई, बहुत ज़्यादा इसमें डैमेज है नहीं, प्लस ये जो है ना इसको ड्राइव भी कर सकते हो। मेरे पास इसकी कीज़ आ गई हैं, तो मैं आपको इसको स्टार्ट करके भी दिखाता हूँ, और आप लोगों को दिखाता हूँ भाई क्या सीन है इस गाड़ी का। तो बैठते हैं इसके अंदर, इसका एयर बैग पॉप है फ्रंट वाला, और यहाँ बैठे और इसको करते हैं स्टार्ट इंजन। वाओ चेक करो ज़रा, साउंड चेक कर रहे हो, आओ और भाई गाड़ी आप लोग भी लेके जा सकते हो, नेक्स्ट लेवल सीन है भाई यहाँ पे। बस ये कि देखो एयरबैग पॉप है, यहाँ से ये चेंज करना पड़ेगा आप लोगों को, तो हाँ करो। और तो यहाँ पे लेक्सस भी खड़ी हुई है, उसके बाद ये लैंड रोवर डिस्कवरी भी खड़ी हुई है, निसान पेट्रोल भी खड़ी हुई है, जो कि अमेरिका में रमादा के नाम से, तो इसका यहाँ पे रमादा लिखा हुआ है, प्लस इन्फिनिटी जो कि इनकी लग्जरी ब्रांड है निसान वालों की, वो भी है यहाँ पे। शेवले है यहाँ पे,
कॉर्वेट है यहाँ पे, कैमरो है, यहाँ पे रेंज रोवर है, मर्सिडीज है, टोयोटा है, होंडा है, यार हर टाइप की गाड़ी है। मैं तो यानी इलिटरली मैं अगर आपको सच बताऊँ तो इतनी बड़ी ऑप्शन मैंने पहले और कहीं नहीं देखी है। ये देखो भाई यहाँ पे बेड लग रही है और गाड़ी मूव हो रही है आगे पीछे, ठीक है ना, ये आगे पीछे मूव करके इस गाड़ी को दिखा रहे हैं, ठीक है ना। वो वहाँ पे भी खड़ी हुई हैं गाड़ियाँ सारी, ये वन बाय वन यहाँ लेके आएंगे, क्योंकि ये गाड़ियाँ सारी ड्राइवेबल हैं, ड्राइव होती हैं। पता नहीं आपको आवाज़ आ रही है कि नहीं, वॉइस ओवर कर दूंगा वरना। तो यहाँ पे गाड़ियाँ आती हैं, ड्राइव करके खड़ी करते हैं और इनके ऊपर फिर बिड करते हैं यहाँ पे बैठ के लोग, और ऑनलाइन भी हो रही होगी। गाड़ी सेल हो गई है, तो ये देखो आ रही आगे। इवन कि ये एक्सीडेंट है लेकिन ये देखो ना बिल्कुल सही है, ड्राइवेबल है, वो देखो अब न्यू आ गई, ठीक है, अब नेक्स्ट गाड़ी आ गई, अब इस पर बिड स्टार्ट हो गई, ये नंबर टू वाली कार है। और अरे भाई सियाना फाइनली यहाँ पे आ चुकी है, देखो रनिंग कंडीशन में ड्राइव हो रही है। तो भाई देखते हैं इसके बिड देते हैं और देखते हैं कहाँ तक जाती है, बिड क्या सीन बनता है इसका, लेट्स सी। और तो ये देखते हैं भाई इसका क्या सीन है। यार अभी मैं एक मरहबा कार ऑक्शन में आया हूँ जो कि क्रैश कार ऑक्शन है, इंडस्ट्रियल एरिया नंबर टू में होती है, और संडे को इनकी एक बहुत अच्छी ऑफर लग रही है भाई, ग्रीन लाइट में सारी कार सेल हो रही है। मींस कि इनकी मिनिमम जितने भी बिड आप लोग करोगे इसमें अप्रूवल की जरूरत नहीं होगी, आप लोग गाड़ियाँ खरीद सकते हो, अपने लिए भी खरीद सकते हो, इसको रीसेल के लिए भी खरीद सकते हो। क्रैश कार्स यहाँ पर यूजली होती हैं तो अमेरिकन इम्पोर्टेड कार्स हैं। खैर इसके अंदर जो है ना इंस्पेक्शन ऑलरेडी हुई होगी तहसील से, प्लस आप लोगों को 10% डिस्काउंट मिलेगा इनकी स्टार्टिंग बिड पे, और बारबेक्यू भी हो रहा है भाई लाइव यहाँ पे, तो